आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। ये वीडियो सरकार के सपोर्ट में नहीं बल्कि बिहार के विकास से संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की अपडेट देने जा रहे हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये 4 दिन पहले का वीडियो है। इसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि अभी राजगीर स्टेडियम में काम लगा हुआ है, यानी कि काम स्टार्ट है, और बहुत जल्द जब ये बनकर कंप्लीट होगा तो बिहार के बच्चों को इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम व राज्य खेल अकादमी के निर्माण का काम शुरू करा दिया है। यह 90 एकड़ में 633 करोड़ रुपये से बनने वाला प्रोजेक्ट है। अब एक बार आप इसका ड्रोन शॉट देखिए और बताइए कि ये खूबसूरत दृश्य कैसा लग रहा है और जब ये बनकर तैयार होगा तो कैसा लगेगा। मुख्यमंत्री ने बताया था कि BCCI की राय से ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। BCCI को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच कराना है, तो वहीं बिहार के बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाकर खेलते हैं, इससे उनको अपने घर में ही प्रशिक्षण और खेलने का मौका मिलेगा। इसलिए ये निर्माण हो रहा है और ये बिहार के लिए वाकई में बहुत अच्छी पहल है। इंडोर स्टेडियम में सभी प्रकार के खेल की सुविधा होगी। ऐसा इंतजाम हो रहा है कि बिहटा, पटना और गया एयरपोर्ट से राजगीर पहुँचने में 50 मिनट से 1 घंटे लगेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के पास 5 एकड़ जमीन है। अगर कोई वहां 5-स्टार होटल बनाना चाहता है तो उसे यह जमीन दी जाएगी। हम आपके लिए बिहार से जुड़े ऐसे ही और भी नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।